12 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक मां धारी देवी डोली यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का शुभारंभ नेहरू कॉलोनी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ईस्ट देवी सेवा समिति ने बताया कि 21 श्रद्धालुओं का जत्था इस डोली यात्रा पर निकलेगा, जो कि पूरे एक महीने की रहेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, जिससे लोग हमारी संस्कृति को जानें। यह यात्रा पहाड़ की संस्कृति के अनोखे और विशिष्ट रूप को दर्शाता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रारंभ श्री गणेश दिनांक 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसका पूजन कराया कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर और 9 बजे तक चलेगा, जो माँ धारी देवी का थान नेहरू कॉलोनी में विराजमान है वहाँ पर। उसके बाद देवडोली यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके लिए हमने अन्य अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी निवेदन किया है और उन्होंने भी यह निवेदन हमारा स्वीकार किया है कि किसी कारणवश अगर हमारा बाहर जाना नहीं हुआ तो हम इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे। 12 जनवरी से यात्रा प्रारंभ होकर 13 जनवरी को रायवाला और 14 जनवरी को देवडोली हरिद्वार में पहुँचेगी। 15 जनवरी को हरिद्वार में स्नान करके उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली